हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हेलो फ्रेल एजुकेशन में तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जामिया मिला इसलिए मैं एम सी कोर्स के लिए यहां पर जो एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे आपको एडमिट कार्ड जो है कैसे डाउनलोड करना है इससे पहले हमारे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन को करें आने वाली वीडियो जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे तो सबसे पहले आपको जो इस पेज पर आना है लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में कुछ बता दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते अगर एम सी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे एग्जाम देते आप देख सकते हैं इक्कीस पाँच दो तो हज़ार तेईस को आपका एग्जाम होगा और इस टाइम देख सकते हैं टू पी एम टू थ्री पी एम ओके और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कुछ जानकारी लिखी है जिसे आप यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन बड़ोसर के अनुसार आप रेड कर सकते हैं अगर यहाँ पर बात करें एग्जाम सिटी की तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है एग्जाम सिटी कुछ सिटी का जो है यहाँ पर चेंज हुआ है जिसको आप यहाँ पर चेंज चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पेज पर आ जाना है आपको थोड़ा सा नीचे कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस फॉर चेंज ऑफ सिटी ऑफ टेस्ट सेंटर आउट ऑफ दिल्ली ओके जो भी दिल्ली से बाहर का जो है इसका सेंटर था उसको जो है दिल्ली जो है शिफ्ट कर दिया गया है तो इसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कौन कौन से सिटी यहाँ पर चेंज किया गया है चलिए यहाँ पर जो एडमिट कार्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है सबसे पहले आपको लॉग इन करना है लॉग इन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्लिक हे टू तो अप्लाई फॉर यू जी पी जी बी टेक ओके तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा दो हजार तेईस से दो हजार चौबीस तो सिंपली आपको जो इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है इस पर इसे क्लिक करेंगे ऑप्शन इस तरह का लॉग इन पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है साइन इन का ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से आपको साइन इन करना है साइन इन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो है ई मेल आई डी एंटर करना है यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डाक्स खुल जाएगा और यहाँ पर आप जो है सिंपली आपके सामने डाको जो खुलेगा यहाँ पर आप माई अप्लीकेशन इस पर आप क्लिक करके माई अप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ से आप फाइनल प्रिंट आउट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद फिर फॉर्म है अपने फॉर्म को फिर कर सकते हैं उसका चैलेंज आंसर की तो इसका जो है आपको बाद में काम आएगा अगर कोई क्वेश्चन को मिस्टेक होता है तो आप इसके अनुसार यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर है एग्जाम एडमिट कार्ड ओके इस ऑप्शन को सिंपली आपको क्लिक करने है ओके इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी जो है इसका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है हो सकता है कुछ समय के बाद आपको यहाँ पर जारी कर दिया जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन चलते रहता है ओके नोटिफिकेशन पर आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आपको यहाँ जो एडमिट कार्ड एम कोर्स के लिए जारी किया गया है कि नहीं और वो आप एडमिट कार्ड चेक, तो चेक करना है तो सिंपली आपको इसी तरह से चेक करना है लॉग करना है और आपको इस तरह से एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको सिंपली आपको डार्क स्पोर्ट आना है और यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एडमिट कार्ड तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप आसानी से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि ट्वेंटी को एग्जाम है तो आप पाँच छः दिन पहले ट्रैक कीजिएगा तो आपको हो सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप जमिया मिला इसलिए मैं एम एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं फिर भी आप किस आपको किसी डॉ कमेंट करें अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो कीजिए लाइक और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आने वाली वीडियो जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें थैंक यू फ्रेंड्स